टेक हेल्प फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप D2H सेट टॉप बॉक्स को अपने टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेटिंग्स आपको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ, उसके थ्रू आप रिलायंस D2H, वीडियोकॉन D2H और एयरटेल D2H, इन तीनों सर्विस प्रोवाइडर के सेट टॉप बॉक्स को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों, साथ ही अगर आपके पास कोई लोकल टीवी केबल का सेट टॉप बॉक्स है तो उसकी कनेक्शन सेटिंग्स भी सेम होती हैं, उसको भी आप अपने टीवी के साथ, जो वीडियो में मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा, उसके थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, सेट टॉप बॉक्स को टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है RCA केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा है HDMI केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो पुराने टीवीज़ हैं उनके अंदर हम सिर्फ RCA केबल के थ्रू ही अपने सेट टॉप बॉक्स को टीवी से कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन आजकल जो LCD टीवीज़ या LED टीवीज़ आ रहे हैं उनके अंदर हमें HDMI केबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों, दोनों टाइप के कनेक्शंस के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा वीडियोकॉन D2H का सेट टॉप बॉक्स है। ये HD चैनल्स को सपोर्ट करता है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है HD2244IR। इस सेट टॉप बॉक्स के अगर बैक साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको डिश टीवी से जो आपकी वायर आती है उसको कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये तीन पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें येलो पोर्ट वीडियो सिग्नल के लिए है और ये व्हाइट और रेड पोर्ट साउंड सिग्नल के लिए है। और ये पावर पोर्ट है, इसमें आपको सेट टॉप बॉक्स का अडेप्टर कनेक्ट करना होगा। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ये HDMI केबल कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले दोस्तों, हम इसको RCA केबल के थ्रू टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये RCA 3-pin केबल है। इस केबल का एक पोर्शन आपको सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा पोर्शन आपको टीवी के साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, येलो जो पोर्ट है उसके अंदर येलो वायर कनेक्ट करेंगे, व्हाइट पोर्ट के अंदर व्हाइट वायर कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से रेड पोर्ट में रेड वायर कनेक्ट करेंगे। और इस तरह से दोस्तों, आपको अपने टीवी के अंदर भी ये पोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप ये तीन पोर्ट्स देख सकते हैं, इन तीन पोर्ट्स के अंदर आपको केबल को कनेक्ट करना है। और जैसे हमने पहले कनेक्ट किया था, सेम कलर के साथ सेम केबल को कनेक्ट करना है, येलो व्हाइट और रेड। और इसके बाद ये जो देख सकते हैं आप, ये एंटीना केबल है जो कि हमारी डिश टीवी से डायरेक्टली आती है और इसको हम एंटीना पोर्ट के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए और ये हमारे सेट टॉप बॉक्स का पावर अडेप्टर है, इसको आप पावर सप्लाई के पोर्ट में कनेक्ट कर लीजिए। सारे कनेक्शन हो जाने के बाद दोस्तों, आपको ये सेट टॉप बॉक्स इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसको सेटअप करके आपको टीवी को चला के दिखाता हूँ। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक बार सारे कनेक्शन हो जाने के बाद आप अपने टीवी को नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, RCA केबल के साथ अगर आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब मैं आपको HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो आप अपने टीवी में जहाँ पे भी HDMI पोर्ट है वहाँ पे ये HDMI केबल को कनेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे यहाँ पे तीन पोर्ट इसमें दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे HDMI केबल को कनेक्ट करता हूँ। और इसके बाद आप अपने सेट टॉप बॉक्स में जहाँ HDMI का ऑप्शन है वहाँ पे इस केबल को कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट होने के बाद दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आपको सेट टॉप बॉक्स दिखाई देगा। अब मैं इसको सेटअप करके आपको टीवी को ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो HDMI केबल के थ्रू मैंने नॉर्मल चैनल्स, जो HD चैनल नहीं है, ये नॉर्मल चैनल है, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अगर आप HDMI केबल के थ्रू अपने टीवी को सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो उससे आप बेटर पिक्चर क्वालिटी और बेटर साउंड क्वालिटी इन्जॉय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।